हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ होली की स्पेशल मिठाई गुंजिया। जी हाँ फ्रेंड्स, गुंजिया सभी को बहुत पसंद आती है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक परात में मैदा ली है, तो मैदा मेरी इतनी बड़ी कटोरी में के हिसाब से है तो ये थोड़ी कम लग रही है। मैं इसमें आधा कटोरी मैदा और ले लेती हूँ, तो तकरीबन मैंने यहाँ पर डेढ़ बड़ी कटोरी मैदा ली है, ये आधे किलो से थोड़ी कम है। तो यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल लूंगी, मैंने 6 से 7 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें मैदा में, तो काफी अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए सारा रिफाइंड ऑयल। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें हाथों को मसल मसल के मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। तो देखिए, इस तरह से हमारा मैदा लड्डू की तरह बन जाना चाहिए, ये देखिए। तो समझिए, काफी अच्छे से हमारा रिफाइंड ऑयल इसमें मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। फ्रेंड, यहाँ पर हमें पानी को एकदम से नहीं डालना है सारा पानी, क्योंकि मैदा को हमें यहाँ पर टाइट गूंदना है। तो इसलिए अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं तो हमें अंदाजा रहता है कि हमें मैदा को कितना गूंदना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ले रही हूँ। तो जो नॉर्मल आटा आप अपनी रोटियों के लिए डेली में गूंदते हैं, तो उससे हमें थोड़ा टाइट मैदा को गूंदना है, तभी हमारी गुंजिया काफी खस्ता और करकरारी बनेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैदा भी मेरा काफी अच्छे से गूंद चुका है, तो इसमें अब और पानी नहीं डलेगा। तो हम इसे काफी अच्छे से हमें मसलना है अपने मैदा को। देखिए तैयार है एकदम, कितना मतलब ज्यादा नरम भी नहीं है और ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है हमें। तो मैदा को हम एक साइड में ढककर रख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गैस पे मैंने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है, तो इसमें मैं बादाम डालूंगी। हमें बादाम को थोड़ी देर घी में फ्राई करना है। फ्रेंड, अगर आपके पास और भी ड्राई फ्रूट हो आप वो भी डाल सकते हैं। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए हमें इन्हें पकाना है, मैं इन्हें अलग प्लेट में निकाल लूंगी। तो फ्रेंड्स, इसी घी में मैं 1 कटोरी सूजी डालूंगी। तो मैंने छोटी कटोरी सूजी ली है, तो सूजी को भी हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो हमें इसमें एक्स्ट्रा घी भी नहीं डालना पड़ा, जो मेरा बादाम में ही घी बचा था वही मेरा सूजी में लगा है। तो देखिए, हमें इसे चलाते रहना है और गैस को अपनी लो फ्लेम पर रखना है, ताकि हमारी सूजी जले ना। तो देखिए फ्रेंड्स, सूजी का भी मेरी कलर चेंज हो चुका है, तो ये पक चुकी है अच्छे से। तो इसे मैं प्लेट में निकालूंगी। तो फ्रेंड्स, अब इसी कढ़ाई में मैं नारियल डाली हूँ। मैं सूखा नारियल मैंने ये मिक्सी में ग्राइंड करा है, आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, अच्छे से ग्रेट करके डाल लीजिए। तो नारियल को भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है फ्रेंड्स, ज्यादा इसे मतलब ओवर कुक नहीं करना है। तो ये भी हो गया है मेरा, मैं इसे भी एक प्लेट में निकालूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने कढ़ाई में मावा लिया है, तो मावा मेरा तकरीबन 300 ग्राम है। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी गुंजिया बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने मावा अपने ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मावे को एकदम सॉफ्ट करना है, नरम होने तक पकाना है। ये देखिए, ये हो चुका है एकदम अच्छे से। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल के थोड़ा नॉर्मल कर लूंगी। तो अब मावे में हम अपनी बाकी की ड्राई फ्रूट्स सूजी मिक्स करेंगे। तो ये सूजी जो मैंने पकाई थी वो हम मावे में मिक्स करेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, हाथ से काफी अच्छे से ये सब मिक्स हो जाता है। अब इसमें मैं अपना नारियल डालूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी बूरा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2 कटोरी बूरा ले रही हूँ। अगर आपको मीठा ज्यादा या कम पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बूरा ना हो तो आप शक्कर पीस के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है हमें सभी चीजों को। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, अब इसमें मैं ये बादाम डालूंगी जो मैंने थोड़े फ्राई करे थे, मैंने इन्हें कूट लिया है छोटा छोटा सा करके। अब इसमें मैं किशमिश डालूंगी, फ्रेंड्स हमें सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो जो मेरा मैदा था अब इसे भी थोड़ा सा मसल लेते हैं। तो ये देखिए काफी अच्छे से नरम हो चुका है, इसकी मैं एक बड़ी लोई बना के तो इसमें से छोटी छोटी लोइयां कट करूंगी, तो उससे हमारी लोइयों का अंदाजा भी हो जाता है फ्रेंड्स कि हमें कितनी लेनी है। इस तरह से हमें कट लगाने हैं नाइफ से। इसी तरह से हम अपनी सारी लोइयों को बेल लेंगे, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें लोई को ज्यादा मोटा नहीं बेलना है, ये देखिए मेरी यहाँ पर लोई भी एकदम बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ये देखिए ना ज्यादा पतली है ना ही ज्यादा मोटी है। तो मैंने यहाँ पर गुंजिया का सांचा लिया है, देखिए ये इससे थोड़ी बाहर निकलनी चाहिए मैदा हमारी, तो इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे जो भी मैंने तैयार करी थी मावे की। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच स्टफिंग ली है फ्रेंड्स, अगर हम ज्यादा भरेंगे तो गुंजिया के फटने का डर रहता है, तो हमें इसे अच्छे से प्रेस करना है। तो जो साइड का जो मैदा निकला रहता है ये हम हटा देंगे, फिर मैं एक बार अच्छे से प्रेस करूंगी इसे और आराम से खोलेंगे फिर। तो देखिए फ्रेंड्स काफी अच्छे से बन गई है हमारी गुंजिया, तो हम बाकी की गुंजिया भी ऐसे ही तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरी सारी गुंजिया की स्टफिंग हो चुकी है। मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लिया है फ्रेंड्स, तो आधा कढ़ाई मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है, तो इसमें मैं अपनी सारी गुंजिया को डालूंगी। तो स्टार्टिंग में मैं 6 से 7 गुंजिया डालूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ज्यादा गुंजिया डालने से फिर ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगी, मुझे पलटने में फिर दिक्कत होगी काफी। तो गैस को मैंने यहाँ पर रखा है बिल्कुल एकदम लो फ्लेम पर, क्योंकि अगर मैं मीडियम या हाई फ्लेम पर रखूंगी तो मेरी गुंजिया ऊपर से जल जाएगी और अंदर से एकदम कच्ची रह जाएगी। तो फ्रेंड्स गुंजिया बनाते हुए हमें बस इसी बात का ज्यादा ध्यान देना है कि हमारी गैस एकदम लो फ्लेम पर होनी चाहिए स्टार्टिंग में। तो देखिए यहाँ पर हमारी गुंजिया का भी कलर चेंज हो रहा है, अब मैं इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पर रखूंगी। जब हमारी गुंजिया कलर चेंज होने लग जाए तो हम इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं। देखिए काफी अच्छे से पक चुकी हैं और ये देखने में भी काफी खस्ता लग रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो चुकी हैं बिल्कुल, अब इन्हें मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स काफी अच्छे से इन पे कलर आया है, ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी लगेंगी। तो इसी तरह से हम अपनी बाकी की गुंजिया भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स गुंजिया को हमें टिश्यू पे निकालना चाहिए ताकि ये एक्स्ट्रा ऑयल सारे टिश्यू पे चला जाए। तो बाकी की गुंजिया भी मैं इसी तरह से थोड़ी थोड़ी करके फ्राई कर लूंगी। तो देखा फ्रेंड्स आपने गुंजिया बनाना कितना आसान है, तो आप भी अपने घर पे गुंजिया जरूर बनाइए त्योहारों पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। हैप्पी होली।